तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UPSC फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में। इसके हम रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, लगभग कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है एक्सपेक्टेड, और फिजिकल वगैरह कब तक हो सकता है, ठीक है। और तो वीडियो को पूरा देखना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे साथियों के मन में ये ज़्यादा प्रश्न घूमता रहता है, क्योंकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता है उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आपको बता दूँ, जैसे कहीं ना कहीं UPSC आयोग अभी काफ़ी समय, आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं रिजल्ट जारी कर रहा है। आपने देखा होगा कुछ रिजल्ट आए हैं UPSC के, और कुछ जो वैकेंसी है उनकी एंट्री वगैरह की डेट आ चुकी है। तो आपको बता दूँ, जैसे कि आपकी पुरानी भर्ती है, लगभग इसमें ज़्यादा पद भी नहीं, 655 पद हैं, और जो फिजिकल में ज़्यादा विद्यार्थी नहीं बुलाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, या तो 3400 3500, लगभग इतने ही विद्यार्थी बुलाने वाले हैं, ठीक है। लगभग 5 से 6 गुने ही विद्यार्थी आएंगे, अगर 6 गुने बुलाए तो लगभग 4000 के समथिंग, और 5 गुने बुलाए तो लगभग 3300 3400 के करीब ही जो विद्यार्थी बुलाएगा आएगा। तो आपको बता दूँ, आपका जो रिजल्ट है, लगभग आपको बता दूँ, जनवरी के 2nd या 3rd वीक तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जनवरी के 2nd या 3rd वीक तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पैट के बाद शायद आपका भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जो पैट का रिजल्ट आएगा जनवरी में, उसके बाद आपका भी रिजल्ट आ सकता है, ऐसा कि मुझे यानी कि पता चला है। लगभग जनवरी में आपको 2nd या 3rd वीक तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बहुत सारे साथियों के मन में आता है कि रिजल्ट आने के बाद इसका लगभग फिजिकल कितने दिन बाद होगा। तो आपको बता दूँ, लगभग फिजिकल आपका फरवरी माह में पूरा अनुमान है कि फिजिकल आपका हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपनी जो तैयारी वगैरह जारी रखो फिजिकल के लिए, और कट ऑफ वगैरह बताने वाले हैं। अगर आपके इतने मार्क्स बने तो 100% अभी तैयारी नहीं की है, स्टार्ट नहीं किए फिजिकल के लिए, तो वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको बता दूं फिर ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। और आप भी जानते हो जो यानी कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का जो फिजिकल कितना टफ होता है, ठीक है। तो आप जैसे कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में यह असमंजसा फंसा हुआ है कि उनके लगभग इतने मार्क्स भर रहे हैं, तो फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें, तो आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। लगभग कट ऑफ वगैरह बताने वाले हैं, तो आपके इतने मार्क्स भर रहे हैं तो 100% अपनी जो फिजिकल की तैयारी जारी रखो, अगर नहीं किया तो उसे स्टार्ट कर दो। तो साथियों, जैसे कि सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, लगभग आपके बता दूँ जनरल में 122 प्लस भर रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से अपनी जो तैयारी है जारी रखो, अगर नहीं किया तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स भर रहे हैं तो 100% अपनी तैयारी जारी रखो। आपको बता दूँ, फिर आपका जो सिलेक्शन हो गया, फिर ज़्यादा समय नहीं बचेगा, फिर आपको पछतावा हुआ कि मैं फिजिकल की तैयारी कर लेता, ठीक है। EWS की बात करें तो 114 प्लस, ठीक है, EWS की, ठीक है, इतना ही कट ऑफ वगैरह रहने वाली है। OBC की बात करें तो OBC की 119 प्लस है, तो अपनी तैयारी जारी रखो। अगर आपके इतने मार्क्स बने तो 100% आपको बता दूँ आप फिजिकल में जाओगे। और आपको बता दूँ, जिस विद्यार्थी ने फिजिकल पास कर लिया तो लगभग उसका सिलेक्शन पूरी तरीके से हो ही जाता है, क्योंकि आपको बता दूँ पिछली बार देखा था पद कम रह गए थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था, फिजिकल भी कम्प्लीट नहीं कर पाया था, ठीक है। अब SC की बात करें, 108 प्लस भर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी जारी रखो फिजिकल के लिए। ST की बात करें तो 96 प्लस, ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स भर रहे हैं तो अपनी तैयारी जारी रखो। फ्रीडम फाइटर 89 प्लस, एक इतने मार्क्स भर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से यानी कि अपनी तैयारी जारी रखो। एक्स सर्विस मैन 90 प्लस, और गर्ल्स की बात करें, ठीक है, गर्ल्स की बात करें तो उनकी जो 95 प्लस, ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स भर रहे हैं तो आप तैयारी अपनी चालू कर दो, अगर नहीं की है, आपको बता दूं आपकी लगभग कट ऑफ इतनी रहने वाली है, ठीक है, इससे 1-2 मार्क्स कम भी जा सकता है। गर्ल्स की बात करते हो तो लगभग कट ऑफ वगैरह इतनी रहने वाली है। और आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अच्छे खासे पद भी हैं, 655 पद कुछ कम नहीं होते हैं, ठीक है, 655 कुछ कम नहीं होते हैं। और आपको बता दूँ, अगर आपके इतने मार्क्स भर रहे हैं तो आप 100% आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताई दिया था रिजल्ट के बारे में, लगभग कट ऑफ वगैरह आपके क्लियर हो गई होगी, अगर इतने मार्क्स भर रहे हैं तो 100% निश्चित रहिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। कट ऑफ के बारे में बताई दिया, कट ऑफ इतनी जाने वाली है। और रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट आपका जनवरी में देखने को मिल जाएगा, लगभग आपका फिजिकल फरवरी तक करा लिया जाएगा। और आपको बता दूं, कट ऑफ भी कम मत समझना, क्योंकि पेपर काफ़ी हार्ड था, ठीक है, पेपर कठिन कह सकते हैं, और फिर निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, 1/4 की, तो कहीं ना कहीं इतनी बैलेंस रहेगी कट ऑफ। जिस दिन आप रिजल्ट आए उस दिन देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी समय से मैं UPSC को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो लगभग कट ऑफ वगैरह इतनी रहने वाली हो, और बहुत सारे जो सर्वे करने के आधार पर ही मैंने कट ऑफ बताई, लगभग इतनी ही कट ऑफ रह सकती है। अब अगर आपके इतने मार्क्स बने तो अपनी तैयारी वगैरह जारी रखो, आपका सिलेक्शन फाइनल जरूर होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, बहुत सारे साथियों का जो सवाल था उनका जवाब मिल ही चुका होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं, अगर चैनल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद।